नमस्ते दोस्तों मैं हूं आपका दोस्त राकेश और आप सभी का हमारे चैनल पर स्वागत है आज हम पढ़ेंगे विषाणुओं का महत्व जैसे कि प्रश्न है विषाणुओं का महत्व लिखिए उत्तर है विषाणुओं को सजीव व निर्जीव के बीच की कड़ी कहा जाता है विषाणुओं को सजीव व निर्जीव के बीच की कड़ी कहा जाता है अतः इनका उपयोग जैव विकास को प्रमाणित करने में किया जाता है विषाणुओं का उपयोग जैव विकास को प्रमाणित करने में किया जाता है साइनोफेज विषाणुओं द्वारा अनेक स्थानों पर उगे हुए नीले हरे शैवालों को साफ किया जा सकता है साइनोफेज विषाणुओं द्वारा अनेक स्थानों पर उगे हुए नीले हरे शैवालों को साफ किया जा सकता है बैक्टीरियोफेज का उपयोग करके जीवाणुओं के अलग अलग विभेदों की पहचान की जा सकती है बैक्टीरियो फेज का उपयोग करके जीवाणुओं के अलग अलग विभेदों की पहचान की जा सकती है अनुवांशिक इंजीनियरिंग अनुवांशिक इंजीनियरिंग में भी बैक्टीरियोफेज का उपयोग किया जाता है अनुवांशिक इंजीनियरिंग में भी बैक्टीरियोफेज का उपयोग किया जाता है कुछ विषाणुओं का उपयोग जैविक नियंत्रण में भी किया जा सकता है जैसे गंगा नदी के जल में जीवाणु भोजी विषाणु पाए जाते हैं जिससे गंगा जल बोतलों में कई वर्षों तक सुरक्षित बना रहता है कुछ विषाणुओं का उपयोग जैविक नियंत्रण में भी किया जा सकता है जैसे गंगा नदी के जल में जीवाणु भोजी विषाणु पाए जाते हैं जिससे गंगा जल बोतलों में कई वर्षों तक सुरक्षित बना रहता है तो हे गाइज यदि आप लोगों को हमारा वीडियो पसंद आया हो तो हमारे चैनल को लाइक करें कमेंट करें शेयर करें और सब्सक्राइब करें धन्यवाद